माइनक्राफ्ट पर। जैसे जैसे हमारी एक्सपी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे ग्राफिक्स रियलिस्टिक होते जाएंगे। मैं स्पॉन हो जाता हूँ एक वीरान सी जगह पे जहाँ पे दूर दूर तक बस पेड़ ही पेड़ थे। इसलिए सबसे पहले मैं पेड़ों की हत्या करता हूँ और एक क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ जिसकी ग्राफिक्स देख के मेरी आंखों में बवासीर हो जाता है। उसके बाद मैं कुछ जानवरों को मार ही रहा था और एक्सपी कलेक्ट कर रहा था और तभी मेरे ग्राफिक्स चेंज हो जाते हैं। घटिया ग्राफिक्स की वजह से कुछ जानवर बीमारियों का शिकार हो रहे थे, जैसे कि ये पिग आंखों के बवासीर से जूझ रहा था। मैं विलेज में घूम ही रहा होता हूँ और तभी मुझे ये बच्चा दिखाई देता है जो मेरे मुंह पे दरवाजा मार के बंद कर देता है। मेरे साथ इतनी अपमानजनक बात होती है तो मैं कैसे इस बच्चे को नहीं मार सकता। इस आवाज से तुम्हें सब कुछ पता लग ही गया होगा। और फिर मैं एक्सपी कलेक्ट करने के लिए कोल की माइनिंग करता हूँ और कोल की माइनिंग करते करते मेरे ग्राफिक्स चेंज हो जाते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल ग्राफिक्स की तरह लग रहे थे। और फिर अचानक से मेरे ग्राफिक्स चेंज हो जाते हैं और ये ग्राफिक्स पहले से बहुत ही ज्यादा अच्छे थे और रियलिस्टिक भी थे, लेकिन पता नहीं क्यों इस पिकैक्स को पोलियो हो गया था।